हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, गुड मॉर्निंग. आई एम मलिक सर. आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द लेसन रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. पीछे मैंने आपको इंसेक्ट्स या फ्रॉग वगैरह में जो कैसे रिप्रोडक्शन होता है इसके बारे में मैंने बताया था. और आज मैं आपको जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए, देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था, सिर्फ पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं ना इसमें. एक ही सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं इसमें. वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल पेरेंट्स होते हैं. तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के कई तरीके हैं, जिसमें आपको पहला है बाइनरी फ्यूजन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है और रीजेनरेशन है. ये सारे तरीके हैं जिसके द्वारा जो खासकर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स होते हैं वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. तो पहले देखिए बाइनरी फ्यूजन की बात करें, तो बाइनरी फ्यूजन में आपको क्या होता है, इट इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सबसे साधारण है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स में होता है खासकर, बहुत साधारण किस्म का रिप्रोडक्शन है, बहुत साधारण तरीके से होता है. जैसे कि अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, बैक्टीरिया में भी होता है. ये सभी जो इंसेक्ट्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स हैं, ये बाइनरी फ्यूजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना. बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिम्स है वो जब मैच्योर होता है ना, तो स्प्लिट कर जाता है दो, है ना, दो न्यू ऑर्गेनिम्स में. खुद अपना एग्जिस्टेंस उसका खत्म हो जाता है और खुद दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. तो इस तरह से दो न्यू ऑर्गेनिम्स डेवलप होते हैं और ठीक उसी तरह से सेम का. तो द बाइनरी फ्यूजन, इन बाइनरी फ्यूजन द टू द पेरेंट ऑर्गेनिम्स स्प्लिट्स और डिवाइड्स टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनिम्स ऑफ द सेम काइंड. इन बाइनरी फ्यूजन में वो जो होता है, फुल्ली ग्रोन अमीबा का एग्जांपल दिया हुआ है. जो फुल्ली ग्रोन अमीबा है वो क्या करता है, द न्यूक्लियस ऑफ लेंथेंस एंड डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स. आफ्टर दैट द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा डिवाइड्स इनटू, अब देखिए यहाँ पर, यहीं पर मैं बता रहा हूँ, ये आप देखिए ये अमीबा है, ठीक है, देख रहे हैं. तो जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसका क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस जो होता है इसका इलांगेटेड हो जाता है. देख रहे हैं यहाँ पर इस पोजिशन में इलांगेशन हो जाता है, देख रहे हैं, लंबा हो गया. और यहाँ पर देख रहे हैं बीच वाले पार्ट में, यहाँ पर इधर से भी धंसा हुआ है, इधर से भी धंसा हुआ है ना. तो अब भी ये क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है डिवाइड हो जाता है, एक न्यूक्लियस ऊपर की ओर भाग जाता है, दूसरा न्यूक्लियस इधर चला आता है, देख रहे हैं, एक न्यूक्लियस इधर और ये इधर. और ये जो धंसना है इसका दोनों तरफ से, वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है ना. तो और ये जो साइटोप्लाज्म है, जो पिंकीज सब जो लिक्विड देख रहे हैं, दोनों पार्ट में डिवाइड हो, मतलब आधा आधा 50-50 डिवाइड हो जाता है और ये लगातार धंसना शुरू हो जाता है. और जब ये दोनों सट जाता है, ठीक है, तो वहीं से क्या होता है, सेल कट के इधर से अलग हो जाता है, दो ऊपर एक नीचे, है ना. तो इन्हीं को डाउटर सेल कहते हैं, ठीक है. तो इसी तरीके से अब जो पेरेंट अमीबा था उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, अब दो जो न्यू सेल बनेगी वो डॉटर अमीबा कहलाएंगे, फिर ये मैच्योर होगा, फिर ये सारा प्रोसेस उसमें चलता रहेगा. दूसरा है बडिंग. बडिंग इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें क्या होता है, इन बडिंग स्मॉल आउटग्रोथ होता है कॉल्ड बड इज फॉर्म्ड ऑन द बॉडी. एक छोटा सा आउटग्रोथ उस बॉडी बड की तरह, कली की तरह निकलता है पेरेंट के बॉडी पर, विच गिवन द साइज ग्रोज इन साइज, वो उनका साइज बढ़ता है और गेट्स डिटैच टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म. सो वो पेरेंट प्लांट से टूट के अलग हो जाता है और जहाँ भी गिरता है और वहाँ पर उसको सारा वो फैसिलिटीज या सारा वो क्या कहते हैं कंडीशंस मिलता है, तो वहाँ पर वो न्यू इंडिविजुअल्स में ग्रो हो जाता है. इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, हाइड्रा है, सी एनिमोन है, स्पॉन्जेस है, कोरल्स है, ये सभी जो होते हैं बडिंग के द्वारा ही रिप्रोड्यूस करते हैं. देख रहे हैं यहाँ पर पेरेंट हाइड्रा है, यहाँ पर इसमें यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर एक बर्ड डेवलप हुआ है ना, ये बर्ड थोड़ा सा ग्रो हुआ, ग्रो करने के बाद जब ये पेरेंट्स से डिटैच हो गया और जहाँ गिरा वहाँ पर वो सारे फेवरेबल कंडीशन उसको मिलेंगे, वहाँ पर वो ग्रो कर जाएगा, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल्स. तो एक तरीका हुआ. द डॉटर हाइड्रा डिटैच कोरल्स एंड स्पॉन्जेस बर्ज
यहाँ पर कोरल्स और स्पॉन्जेस जो होता है इसमें बड सेपरेट नहीं होता है, बल्कि बट रिमेन अटैच टू द पेरेंट ऑर्गन, पेरेंट ऑर्गन्स पर अटैच ही रहता है। वन अटैचिंग टू द पेरेंट बॉडी दे अटेंड फुल साइज, और जब वो पेरेंट बॉडी पर रहता है तो उसी समय वो अपने फुल साइज में आ जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर फिर नया ग्रोथ आता है। तो इस तरह से कॉलोनीज का फॉर्मेशन करता है। देखिए कॉलिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल एनी बॉडी पार्ट ऑफ द कंप्लीट ऑर्गन्स। द एनिमल्स विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल आर कॉल्ड क्लोन्स। जो एनिमल्स एकदम जेनेटिकली बिल्कुल अपने पेरेंट्स का आइडेंटिकल होता है वो क्लोन्स कहलाता है। क्लोनिंग इन मैमल्स वाज सक्सेसफुली डन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय यान विल्मट के द्वारा किया गया था, और उसके जो सहयोगी थे एट रॉसलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, दे सक्सेसफुली क्लोन्ड ए शिप नेम डॉली। और पहला जो क्लोन था उस शिप के ऊपर हुआ था और उसका नाम था डॉली। इसमें और नहीं बताया गया है, दो ही का बताया गया है। फ्रैगमेंटेशन भी होता है, उसमें क्या होता है ना, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है बहुत सारे टुकड़े में टूट जाता है ना, और उसका हर एक टुकड़ा जहाँ पर भी लैंड करेगा और उसको अगर वो सारे फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड होंगे तो वहाँ पर वो ग्रो कर जाता है, ठीक है। इस तरह से ये चैप्टर आपका खत्म हुआ, इसको अच्छे से मन से पढ़िए, है ना। तो मैं आपको आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन फ्रॉम टुमारो। कल से मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करना शुरू करूँगा, है ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।